नमस्कार मित्रों, योगा का एक टॉपिक बहुत विस्तृत परिचयात्मक भाग हम अपलोड कर चुके हैं। चूँकि हमारा संकल्प है विषय वस्तु के साथ साथ उस वस्तु विषय में से बनने वाले समस्त प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए, चूँकि वह टॉपिक बहुत लंबा था, 20 प्रश्न उस टॉपिक से हम आपको अभी तक दे चुके हैं और कुछ बनने वाले नए प्रश्न मैं आज के इस सेशन के साथ आपके सामने लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाए हम लोग अपने अगले प्रक्रम की तरफ चलते हैं और अगला प्रक्रम प्रतिदिन की तरह जो एक छोटा सा योगदान आपकी तरफ से हमारी मेहनत के लिए आपसे रिलेशन के लिए बनता है, एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर जरूर करें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल के बटन को दबा लें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए शुरू करते हैं इसी काम को। पहला प्रश्न आज का जो है, पंच तत्वों को कहा जाता है योग के, आप ध्यान रखिएगा, योग का पहले आप जो वीडियो लेक्चर एक योग का अपलोड है उसका अध्ययन करें। पंच तत्वों को कहा जाता है आदि से अनादि, पंचानन, पंचभूत, जीवन का सार। पंच तत्वों को कहा जाता है आदि से अनादि, पंचानन, पंचभूत, जीवन का सार। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं आदिशेष पतंजलि, कपिल मुनि या वेदव्यास। आदिशेष पतंजलि, कपिल मुनि या वेदव्यास। अगला प्रश्न, तत्व मीमांसा का प्रतिपादक दर्शन है, तत्व मीमांसा का प्रतिपादक दर्शन है वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग। वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग। प्रश्न संख्या 4, इहलोक व पारलोक के मध्य विचरण की कड़ी किस इंद्री को कहा जाता है। इहलोक व पारलोक के मध्य विचरण की कड़ी किस इंद्री को कहा जाता है। तीसरी पांचवी सातवीं ग्यारहवीं। अगला प्रश्न, पतंजलि की माता का नाम है गौणिका, योगिनी, अंजलि या ज्योत्सना। गौणिका, योगिनी, अंजलि या ज्योत्सना। अगला प्रश्न, पतंजलि किस रूप में धरती पर अवतरित हुए मूल रूप योग रूप अंजलि रूप या सर्प रूप। अगला प्रश्न, पतंजलि का जीवन काल किस शासन वंश में हुआ मौर्यकाल गुप्त वंश गंगवंश या शुंग वंश। अगला प्रश्न पतंजलि का उच्च शिक्षण कहाँ पूरा हुआ नालंदा, तक्षशिला, काशी या विक्रमशिला। अगला प्रश्न, किस भारतीय तिथि को पतंजलि का अवतरण दिवस माना जाता है गुरु पूर्णिमा हरियाली अमावस नागपंचमी देवठनी ग्यारस। अगला प्रश्न पतंजलि के गुरु कौन थे चरक सुश्रुत पाणिनि या अंतिम विक्रम। और मित्रों यह आपके सामने हमारी वो प्लेलिस्टें हैं जिनके अंदर हमने शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण सिलेबस की सारी वीडियोस डाल रखी है। इनका अध्ययन आप लोग विस्तृत तरीके से करें। प्रत्येक प्लेलिस्ट के अंदर केवल उसी विषय से संबंधित आपको वीडियोस मिलेंगे, सिलसिलेवार मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा के अर्थ में, शारीरिक शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, महत्व, लक्ष्य, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में शुरुआती दौर से जैसा हम लोग अपलोड कर चुके हैं 3 वीडियो अभी तक, एनाटॉमी का परिचयात्मक भाग, अब हमें उसके बाद फिजियोलॉजी और फिर उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप लोग देख सकते हैं टूर्नामेंट का वीडियो, टूर्नामेंट हमने बेसिक से शुरू किया है, पार्ट मेथड से योग को हमने 0 से शुरू किया है। इन सारे वीडियोस को देखकर आप लोग अपना अध्ययन चालू रखें। साथ ही एक निवेदन और, ज्वाइन का बटन दबा दें। ज्वाइन के बटन को दबाने से आपके लिए लाइव सेशंस में भाग लेना इजी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भरत सिंह गुर्जर।